जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में तो यहाँ पर व्यापम के द्वारा एक अपडेट आई हुई है जो कि वर्ग तीन परीक्षा को लेकर है ठीक है जो कि आंसर की है रिस्पॉन्स सीट है वो जारी कर दी गई है यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑनलाइन प्रश्नों पर अच्छे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हज़ार बीस यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने के लिए जो है ये लिंक अपडेट किया गया है ठीक है आपने जो एग्ज़ाम दी है आपने कितने कौन से कौन से प्रश्न अटैम्प किए हैं ठीक है थीके? किस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या लगाया है यहाँ पर आप सारी जानकारी देख पाएंगे और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जो आंसर्स बताए गए हैं वो गलत है ठीक है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तो अपने आंसर की जो आप बोल सकते हो ठीक है रिस्पॉन्स सीट जो बोल सकते हो उसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में समझ तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं गूगल में आपको आना है व्यापम सर्च करना है व्यापम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ही पेज आप लोगों को दिखाई देगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद आप जो है लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आपको किस जो है लैंग्वेज में जानकारी चाहिए तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑनलाइन प्रश्नों पर आक्षेप करके यहाँ पर पहले ही जो है नवीनतम सूचनाओं में दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज आपके सामने ओपन होकर आया हुआ है इसमें आप देखेंगे सबसे पहले 2021 अपडेट में यहाँ पर दिया ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल टीचर ठीक है या एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 2020 का नोटिफिकेशन था और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर आपको सामने ही दिया हुआ है प्राइमरी टीचर सॉरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 हजार बीस ठीक है यहाँ पर डेट देख पा रहे हो कि उनतीस तीन यानी अभी अभी ये जो है अपडेट किया हुआ है रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिट को ठीक है तो यहाँ से आप क्या करेंगे इस पर आपको क्लिक कर लेना है ठीक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो पेज है वो आ गया है ठीक है यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को दिया है कैंडिडेट लॉग इन करें ठीक है यहाँ पर आपको लॉग इन करना है इसमें क्या है आपकी परीक्षा के प्रवेश पत्र पर अंकित जो आप लोगों का रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको पहले कॉलम में जो है डाल देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप

प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी ठीक है और यहां पर यह बोला है कि अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा तो प्रश्न किया है कौन सा छोड़ा है ये सारी जानकारी अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने सही किया है और वो प्रश्न जो है व्यापम द्वारा गलत बताया गया है तो वहां से आप ऑब्जेक्शन प्रश्न पर सकते वहां पर करके ऑप्शन दिया होता है ठीक है तो यहां पर आप रोल नंबर और आपका कोड डाल के जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपकी रिस्पांस सीट डाउनलोड हो जाएगी और इस माध्यम से आप सारी चीजें जो है देख सकते हैं ठीक है यह थी पूरी डिटेल्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा है ना वहां से भी जाके आप ऑफिशियली वेबसाइट पर इस वेबसाइट पर आके आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद